नमस्कार, मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल करिश्मा कौशिक। मेरे YouTube चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको बहुत सारी जानकारी मिल सके और साथ ही साथ आप एक जो भी आपको पूछना है या जो भी आप किसी विषय पे जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि एक हमारा अच्छा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके। इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें करिश्मा कौशिक को। अब आज हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट की, यानी बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा ये गोचर और इसके साथ ही साथ 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए धनु जो है देवगुरु बृहस्पति की अपनी ही राशि है और मकर राशि जो है वो शनिदेव की है। शनिदेव मकर राशि में पहले से ही विराजमान है। धनु राशि में मार्गी हुए थे बृहस्पति 13 सितंबर 2020 को और 20 नवंबर 2020 को धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। अब देखिए बृहस्पति जो है एक तरह से देखा जाए तो ज्ञान के कारक होते हैं, इसके साथ साथ विवाह के कारक होते हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए धन संपत्ति का कारक होता है। और यहीं पे अगर हम हेल्थ वाइज देखे जाए बृहस्पति जो है फैटनेस का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजों का कारक देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, स्पिरिचुअलिटी में होता है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए भी आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली लेकर के आ सकता है, साथ ही साथ आपके अगर करियर में कोई परेशानी आ रही है तो उसको भी सही दिशा की ओर लेके जा सकता है। बृहस्पति की दृष्टि जिस भी भाव में पड़ती है कुंडली के, वहां पे अमृत बिखेर देती है, तो बृहस्पति का शुभ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि 12 राशियों का क्या हाल रहेगा इस गोचर में, क्योंकि बृहस्पति जो है शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे और शनि देव मकर राशि के ही स्वामी हैं, तो कैसा गोचर रहेगा ये आप लोगों के लिए 12 राशियों के लिए, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की, मेष राशि के जातकों के लिए ये समय काफी हद तक बहुत अच्छा रहने वाला है, खास रहने वाला है। आप लोगों पे इस समय पर बृहस्पति की कृपा बरसेगी और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, आप लोगों का विवाह हो जाएगा। माता पिता से अगर कोई अनबन चल रही है, स्पेशली माता या माता समान जैसी कोई महिला से, तो आपके लिए ये समय बहुत ज्यादा खास रहेगा। इस समय पर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और करियर ग्रोथ भी आपको मिलेगी। अगर किसी भी वजह से आपका जीवन में रुकावटें आ रही हैं या धन से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ पा रही है, स्पेशली करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा आप लोगों के करियर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति में धन की बढ़ोतरी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं या अगर आप अपने खुद का लैंड खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सर्च करते हो ये सब चीजें और इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो ये इन्वेस्टमेंट भी आगे चल के आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त करवाएगी। यहीं पे आप लोगों को उपाय क्या करना है इस दौरान, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि बृहस्पतिवार को गुड़ का दान कर दें, ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। यहीं पे अगर हम बात करें वृषभ राशि की, यानी टॉरस की, तो आप लोग जो हैं, आप लोगों के लिए गोचर कैसा रहेगा, देखिए ये समय स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास रहने वाला है। जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर के काफी हद तक आगे कुछ करने की सोच रहे थे या कोई नई अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे, तो आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों को इस समय पे करियर में ग्रोथ मिलेगी, करियर आपका बूस्ट होगा। यहीं पे जो अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत खास समय रहने वाला है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप लोगों को ये समय बहुत ही खास रहेगा और किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी को आप जरूर अपने आगमन में लेंगे, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी। अब अगर बात करें हम जो सिंगल्स हैं, बच्चे जो विवाह योग्य हैं, कन्या या बालक जो विवाह योग्य हैं, तो उन लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अगर किसी पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं,
तो ये समय आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। इस वर्ष आप विवाह में बंध सकते हैं और इसके साथ ही साथ अपना नया जीवन आप शुरू कर सकते हैं। यहीं पे अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की बात की जाए तो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी इस वर्ष। धन में खर्चा जरूर हो सकता है, बट थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख करके चलते हैं तो धन का खर्चा भी बहुत अधिक नहीं होगा और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। यहीं पे अगर हम बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि की बात जरूर करेंगे, मगर पहले ये जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों को करना क्या है इस वर्ष। तो आपके लिए बेहतर रहेगा आप थोड़ा सा एक चम्मच दूध जल में डाल करके केले के पेड़ पे अर्पित करें बृहस्पतिवार के दिन। ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला परिणाम देगा। नई अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी ही आएंगी। अगर देखा जाए कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है या किसी भी वाद विवाद में आप फंसे हुए हैं, तो इन सब ये जो समय रहेगा इस समय पे आप इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए आप विवाहित जीवन में बंधना चाहते हैं, विवाह में बंधना चाहते हैं, तो विवाह आपका होने की संभावना दिख रही है इस समय पर। और इसके साथ ही साथ आपको हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय पे आप एनर्जेटिक फील नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा, थोड़ा आपका एनर्जी लेवल जो है वो लो रह सकता है, जिसकी वजह से आपके इस समय पे वेट पे इफेक्ट हो सकता है, वेट गेन हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रख करके चलिए। मेडिटेशन इस समय पे कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय पर आप कोशिश करेंगे कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे यात्राएं करें, तो ऐसा करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडी आपके लिए क्या रहेगी, तुलसी पत्र जो है भगवान विष्णु जी को अर्पित करें बृहस्पतिवार के दिन। खुश आपको शुभ समाचार मिलेंगे और साथ ही साथ खुशहाली आपके घर में आएगी। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की, तो कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये समय। तो देखिए ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, स्पेशली जो लोग मैरिड हैं, अगर संतान प्राप्ति चाह रहे हैं तो संतान प्राप्ति हो सकती है आप लोगों को। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप लोग जो हैं आपके जीवन में, अगर वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही थी, तो आपका संबंध जो है अपने पार्टनर के साथ इस समय पे गहरा होगा। अगर किसी तरह की सेपरेशन चल रही थी तो उन सेपरेशन से छुट करके आप बाहर निकल के आ सकते हैं। कहने का अर्थ है अगर आप कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, अपने जीवन साथी के साथ ही आगे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो ये समय वो रहेगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका डिवोर्स हो जाए और आप किसी न्यू लाइफ में एंटर करें, तो ये भी हो सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये समय बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी हद तक एक अच्छा परिणाम आपके लिए लेकर आएगा, शुभ परिणाम लेकर के आएगा। अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो बिजनेस में ग्रोथ इस समय पर मिलने लग जाएगी। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बट एक चीज का आपको ध्यान रख करके चलना है कि किसी भी व्यक्ति पे बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। उपाय आप लोगों के लिए क्या रहेगा, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा आप बृहस्पतिवार के दिन दूध का दान कर दें, ऐसा करना शुभ रहेगा आपके लिए। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की, तो सिंह राशि के जातक जो है आपके लिए समय थोड़ा सा कठिनाई भरा हो सकता है। इस समय पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई पुरानी चोट हो या कोई पुराना ऐसा आपकी कोई रोग हो वो उभर के आ सकता है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी तरह से बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, चाहे शेयर मार्केट में चाहे किसी अन्य तरह का इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ा आपको लॉस हो सकता है इस समय पर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो खर्चे आपके बढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि खर्चे बढ़ेंगे धन की स्थिति नहीं सुधरेगी, धन भी आएगा, धन का आगमन भी होगा, बट थोड़ा सा आपको अपना हेल्थ का और इन सब चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और पार्टनर के साथ इस समय पे अनबन हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर भी आप काबू रख करके चले, बेहतर रहेगा आपके लिए। अब उपाय क्या करना है आप लोगों, आप लोग अगर गुड़ का दान करते हैं बृहस्पतिवार को तो आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन। तो देखिए आप लोगों के लिए ये समय काफी हद तक बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। अगर आप किसी भी तरह की यात्राओं पे जाना चाहते हैं, ये बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था,
तो आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस समय पे यात्राओं में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई ना कोई ऐसे धार्मिक कार्यों में आप जुड़ सकते हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं एक अच्छे कर्म अपने बैलेंस कर पाएंगे, अपने कर्मास को बैलेंस कर पाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप जो है अपने परिवार का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ धन में बढ़ोतरी होगी, तरक्की मिलेगी। अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आप जॉब में चेंजेस चाहते हैं तो चेंजेस भी आएंगे और कहीं ना कहीं ट्रांसफर भी आपको जॉब में मिलेगा। तो ये समय जो है आपके लिए काफी हद तक अच्छे परिणाम देगा। अब आप लोगों को उपाय क्या करना है, किसी भी धार्मिक स्थल पे जा करके अगर आप धार्मिक पुस्तक का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की, तो तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, तुला राशि वालों के लिए ये समय बेहतर रहेगा और इसके साथ ही साथ अगर आप अपने पिता के साथ जुड़े हुए हैं व्यापार को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, तो ये एक ऐसा समय है जिसमें आपके पिता का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस समय पर आप जो है कुछ नया कार्य कर पाएंगे, प्रमोशन आपको अगर मिल सकती है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जॉब को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के अगर आप चाहते हैं कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलना, या कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव, तो वो भी आपका इस समय पे क्लियर हो सकता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये समय आप लोगों की नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहने वाला है, तरक्की आपको मिलने वाली है। यही भी अगर हम बात करें आप लोगों को उपाय क्या करना है, तो आप लोग अगर इत्र जो है भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हैं तो आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा, आपको अपने परिवार में पिछली भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा और इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद है तो वो आपका खत्म हो सकता है इस समय पर। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसा कार्य करने की सोच रहे थे, कोई नया बिजनेस ओपन करने की सोच रहे थे या कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, तो ये आपको लाभ जरूर दे करके जाएगा। और इसके साथ ही साथ हेल्थ में आपको सुधार महसूस होगा। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो कुछ पुरानी चीजें, जो कुछ पुराने रोग आपके चल रहे थे जिसमें आपको सुधार नहीं मिल रहा था, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अब आप लोगों को उपाय क्या करना है, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आप लोग गेहूं का दान कर दें बृहस्पतिवार को, ऐसा करना शुभ रहेगा आपके लिए। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की, यानी सैजिटेरियस की। तो सैजिटेरियस, अभी आपकी राशि में बृहस्पति जो है गोचर कर रहे थे, मगर 20 नवंबर को जो है बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा गोचर के दौरान और गोचर के बाद, जब तक बृहस्पति जो है मकर राशि में रहेंगे, इस समय पर आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा दुर्घटना से बच के रहें, और अगर आप वाहन चला रहे हैं तो थोड़ा धीमी गति से वाहन चलाएं, नहीं तो आपको इसमें परेशानी आ सकती है, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। थोड़ा सा इस समय पर आप अगर धैर्य बना करके रखते हैं तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे ही अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधारना चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, अननेसेसरी आपको खर्चा इस समय पर नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। यही पे आपके उपाय की बात करते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, हल्दी का दान आप बृहस्पतिवार के दिन करें, शुभ रहेगा आपके लिए। मकर राशि की बात कर लेते हैं, तो मकर राशि के जो जातक हैं, आप लोगों के ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कुछ लेकर के आएगा, सभी चीजें चेंज हो जाएंगी आपकी लाइफ में। अगर आप सोच रहे थे, क्योंकि साढ़े साती का प्रभाव भी है अभी आप पे, तो अगर आप सोच रहे थे आपके कामों में अड़चने आ रही हैं या परेशानी आ रही है, तो आप लोगों के ये जो काम है अब धीमी गति से चलने शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर मिलेंगी इस समय पे। किसी हद तक अगर देखा जाए, कोई जॉब में अगर आप कुछ नया सोच रहे हैं या कोई नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मगर एनर्जी लेवल लो रहेगा, क्योंकि शनि ऑलरेडी आपकी राशि में स्थित है। शनि जो है कामों को अपने स्लो डाउन करा देते हैं और व्यक्ति को लथार्जिक कर देते हैं, यानी अगर देखा जाए तो काम में आलस आने लग जाता है। मगर वहीं पे बृहस्पति की अगर बात करें तो आप लोगों को सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, लथार्जिक होने की वजह से आप लोगों का वेट गेन हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि वेट गेन से आपको बच के रहना है, नहीं तो परेशानी आपको आ सकती है। इसके अलावा आपको उपाय क्या करने हैं, देखिए, नारियल अगर आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित करते हैं बृहस्पतिवार के दिन, तो आप लोगों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।
अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि के जातक जो है, आप लोगों के लिए ये समय शुभ रहेगा और परिवार का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ वाणी के द्वारा आप अपने जीवन में बदलाव लेकर के आ सकते हैं। यहीं पे अगर देखा जाए तो कुछ चीजों में चेंजेस आपको महसूस होंगे, मगर बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे। हेल्थ में सुधार आएगा और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। अब उपाय आप लोगों को क्या करना है, सफेद पुष्प, सफेद पीले पुष्प जो होते हैं वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। बृहस्पतिवार के दिन आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे अंतिम राशि की, यानी मीन राशि के जातकों की। तो मीन राशि के लिए ये समय जो है काफी हद तक बेहतर रहेगा। अगर किसी भी परिणाम की प्राप्ति के लिए आप इच्छा कर रहे थे तो आपको वो भी प्राप्त होंगे, बट थोड़ा सा इस समय पे आपको धैर्य रख के चलने की आवश्यकता है। हो सकता है आप इस समय पे थोड़ा धीमी गति से चलें, लथार्जिक हो जाएं, आलसी हो जाएं, एनर्जेटिक ना रहे, जिसकी वजह से आपके काम जो है मिस हो सकते हैं। तो काम को मिस मत कीजिएगा, चाहे आज नहीं कल कोशिश तो कीजिएगा कि साथ ही साथ करें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, मगर आप जो हैं साथ के साथ ही वो काम निपटाते चले जाइएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आए आपके करियर में। इस चीज का आप ध्यान रख करके चलें, आपके लिए बेहतर रहेगा। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना है, और साथ ही साथ आप जो है धन से संबंधित अगर कोई परेशानी आ रही थी तो वो समाप्त होगी, धन में बढ़ोतरी होगी। मैरिज के लिए सोच रहे थे तो मैरिज प्रपोजल्स इस समय पे आने शुरू हो जाएंगे। तो साल 2021 का जो अंत होगा आपका, उसमें विवाह जरूर हो जाएगा। और भी ऐसी बातें जानने के लिए, ऐसे विषय, अलग अलग विषय जानने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।